सीतापुर में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में पढ़ी गई ईद की नमाज, नमाज पढ़ने को लेकर के लोगों में दिखा खासा उत्साह। ईद के अवसर पर नगरपालिका सीतापुर ने ईद के त्यौहार को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस ईद के अवसर पर जिला जज, नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि मुरेंद्र अवस्थी, नमेंद्र अवस्थी, सपा के राष्ट्रीय सचिव अनुप गुप्ता, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर, नगरपालिका अधिशासी अभियंता वैभव त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इमाम ने कहा कि इस देश में हमदर्दी और एक दूसरे से मिलकर के रहें। इमाम ने कहा कि सबसे बड़ा संदेश यही है, जिस देश में हम एक दूसरे के साथ रहते हुए आए हैं, हमसे कोई ये महसूस न कर पाए कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ सिर्फ इंसान हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव अनुप गुप्ता ने कहा कि बहुत ही खुशी का पर्व है, जैसे हम लोगों ने अभी होली का त्यौहार मिलजुल कर मनाया, वैसे ही सभी ईद का त्यौहार भी मिलजुल करके मनाएं। इस पर्व पर उन्होंने सभी को बधाइयां ज्ञापित की। इस बार जो ऐतिहासिक ईद सीतापुर में मनाई जा रही है, गंगा जमुना की तहजीब जो पहली बार जो है ऐतिहासिक दिखाई दे रही है, क्या है? बहुत अच्छी बात है और सभी लोग हंसी खुशी इस त्यौहार को मना रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग हिंदुओं ने होली का त्यौहार हंसी खुशी से और सबके गले लग कर के मिले, इसी प्रकार से ये ईद का मुबारक दिन है और इसमें सभी जात धर्म के लोग हमारे मुसलमान भाइयों को बधाई देने के लिए हिंदू भाई आए हैं और ये गंगा यमुनी तहजीब की एक मिसाल है। हमदर्दी और मोहब्बत में आपस में एक दूसरे से मिलकर के रहें। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा देश जो है, जिस सूरत से आज तक हम मिल करके और मोहब्बत के साथ रह के चले आए हैं, पिछली हमारी तारीख है वो सारी की सारी और आज की तारीख, हम इस सूरत से रहें कि हम में से कोई दूसरा आदमी महसूस न कर पाए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हम सारे के सारे इंसान हैं। धन्यवाद।